नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने व्हीकल गुरु यूट्यूब चैनल में। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं काफ़ी शानदार ट्रैक्टर, जो कि आपको दमदार फीचर देखने को मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगा, और जो रेट भी होंगे ना वो भी काफ़ी अच्छे देखने को आपने इसमें मिल जाएंगे। तो फिलहाल जो आज की वीडियो हम शूट करेंगे, तो शूट करेंगे एस कंपनी के ट्रैक्टर के बारे में, जो कि आपको पहले से भी अवेलेबल था, लेकिन अब इस ट्रैक्टर में कुछ एक जो है कंपनी ने चेंज किए हैं, उनके बारे में शेयर कराएंगे आपके साथ में। क्या कुछ इसमें फीचर कंपनी दे रही है वो सारा कुछ आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले किसान साथियों, बात करें इस ट्रैक्टर के मॉडल की, तो मॉडल कौन सा है आपने पता है, ये है एस कंपनी का 6565 V1, जो कि पहले आपने पता है भी है V2 में भी है और V1 में भी है, दोनों ही अवेलेबल हैं कंपनी के। तो ये ट्रैक्टर, आज इस ट्रैक्टर को कवर करेंगे, इसकी डिटेल की वीडियो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो वीडियो अगर कंप्लीट देखेंगे और अच्छी लगा आपने तो लाइक शेयर ज़रूर करना आपने। तो सिंगल पीस इसमें आपने बोनट देखने को मिलेगा और फ्रंट में भी जाली, आपको ऊपर भी जाली मिलेगी, यानी कि एयर सर्कुलेशन बढ़िया होने वाला है इसमें, कोई प्रॉब्लम आपने इसमें एयर सर्कुलेशन के लिए नहीं देखने को मिलेगी। और फ्रंट में अगर आप देखोगे तो आपको हेलोजन बल्ब टाइप में लाइट देखने को मिलेगी, जो कि दो लाइटें हैं, आपको अप एंड डाउन बीम के लिए यूज मिलेंगे। अगर बात करें इसके बोनट को ओपन करने के लिए, आपको ड्यूल प्रेशर स्टड देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बोनट को उठाने के लिए, आपके बोनट को उठाने के लिए बिल्कुल आसानी से सक्षम रहेंगे, और बैलेंसिंग भी काफ़ी बढ़िया रहेगी। उसके बाद हम फ्रंट में अगर आप बात करोगे इस ट्रैक्टर की वेट की, तो इसमें आपको 22 केजी की चार प्लेटें देखने को मिलेगी, साथ में एक और जो वेट आगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो ट्रैक्टर को बम्प यानी कि फ्रंट से उठने के लिए जो परेशानी होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, यानी कि ट्रैक्टर फ्रंट से उठेगा नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर अगर फ्रंट में आप देखोगे तो इसमें आपको एक्साइड कंपनी की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि प्रॉपर तरीके से लॉक है, यानी कि कोई हिलना और डुलना कुछ इसमें होगा नहीं। ड्राई टाइप का एयर क्लीनर जो कि ड्यूल एलिमेंट के साथ में आता है, चोकिंग सेंसर इसमें आपको साथ में मिल जाएगा, चोकिंग सेंसर भी इसमें आपको मिलेगा। उसके साथ में अगर आप बात करोगे रेडिएटर की, तो इसमें आपको एल्यूमिनियम का रेडिएटर देखने को मिलेगा, और बड़ा रेडिएटर जो कि आपको ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में आता है, जिसमें रिकवरी बोतल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि कूलेंट को रिकवर करेगा रेडिएटर के अंदर। ये ट्रैक्टर EGR के साथ में आता है। इस ट्रैक्टर के इंजन की अगर बात करोगे तो ये 61.2 उस पावर का इंजन है, जो कि EGR के साथ में आता है, कूलेंट कूल्ड इंजन है। इसमें आपको चार सिलेंडर बोस कंपनी का इनलाइन पंप देखने को मिलेगा, जिसमें पावर जो है काफ़ी ज़्यादा है इस ट्रैक्टर में। अगर इस ट्रैक्टर की सीसी की अगर बात करें तो इसमें आपको 4088 cc का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 105x118 mm के बोर स्ट्रोक के साथ में आता है। इस ट्रैक्टर में आपको जो RPM मिलेंगे, इंजन RPM, इंजन रेटेड RPM, वो 2200 मिलेंगे, ERPM जिसको आप बोलते हैं, तो जो कि DI इंजन के साथ में आता है, 4-stroke DI इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर है। उसके बाद मैं बात करें इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में, तो इसमें आपको फ्रंट एक्सल जो है एडजस्टेबल मिल जाएगा, आप अपने काम के अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। पावर स्टीयरिंग की अगर देखोगे तो आप इसमें आपको ड्यूल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी बैलेंसिंग जो ड्राइविंग देगा, और लंबे टाइम तक अच्छी जो है ड्राइविंग आप कर सकते हैं। इसमें आपको डबल डीजल फिल्टर मिल जाएंगे, वाटर सेपरेटर भी आपको इसमें साथ में मिल जाएगा, और जो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पाइप आपने देखने को मिली होगी, जो कि कई बार आपने समस्या देखने को मिलती है, जो इंजन के अंदर गर्म हवाएं हो जाती है, लोग ऊपर से रहती है, ढक्कन जो है डीजल टैंक का लोक रहता है, डीजल टैंक में जो एयर बनती है गर्म उसको निकालता रहता है, ये जो पाइप छोड़ रखी है एक्स्ट्रा,
ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि कंपनी छोटी छोटी चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दे रही है। उसके बाद में किसान साथियों बात करते हैं इस ट्रैक्टर के टायर साइज के बारे में। तो इसमें आपको फ्रंट टायर जो मिलेंगे 7/50/16 के और जो पीछे वाले टायर आपको मिल जाएंगे इसमें आपको 16/9/28 के टायर मिलेंगे, जिसमें लगभग ट्रैक्टर मैंने वीडियो बनाई है इसमें देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर जो है MRF के टायर के साथ में आपने मिलते हैं। 16/9/28 का टायर इसमें आपको वेट के साथ में मिल जाएगा। इसमें जो वेट आपको मिलेगा करीबन 36 kg की वेट की एक प्लेट आपको इसमें साथ में कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ऊपर चढ़ने के लिए आपको डबल स्टेप के साथ में फ्लैट प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ये दोनों साइड देखने को मिलेगा, दूसरी साइड भी अगर आप देखोगे तो आपको दूसरी साइड में भी ये आपको ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप्स मिल जाते हैं। दोनों साइड में आपको हिट गार्ड देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े हिट गार्ड हैं। कई कंपनियाँ हिट गार्ड लगाती हैं लेकिन छोटे छोटे लगाती हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए कंपनी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है और बड़ा जो हिट गार्ड लगाया, जिसमें साथ में आप ये देखोगे तो ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है ये हैंडल टाइप का सिस्टम बनाया गया जो कि हिट गार्ड के साथ साथ हैंडल का वर्क भी करेगी और दूसरी साइड में भी आपको हैंडल देखने को मिलेगा, दोनों साइड में हैंडल आपको मिल जाएगा। फ्रंट में आप देख रहे हो स्टिकर आपको EPI ड्राइव का मिल जाता है जो कि रियर एक्सल जो इसका है EP साइकिल लिक रिडक्शन के साथ में आता है EPI ड्राइव। इसमें आपको 24 स्पीड मिलेंगे गियर की, 24 स्पीड जो कि कंपनी लिख रही है यहाँ पर, वो आपको मैं दिखाऊंगा कैसी होंगी वो 24 स्पीड। उससे पहले आप देखोगे तो मरगार्ड का जो डिज़ाइन है आप देखोगे तो काफ़ी लग्जरियस और बड़ा जो मडगार्ड हैं और पूरी सेफ्टी के साथ में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में और लुक जो देखोगे तो शानदार आपने इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि लग्जरियस फीलिंग आपको इसमें मिल जाएगी। ऊपर चढ़ते हैं उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रांसमिशन के लिए आपको इसमें क्लच ये मिलेगी और PTO के लिए आपको अलग क्लच मिलेगी, यानी कि इसमें आपको डबल क्लच का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ड्यूअल का नहीं आपको डबल का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। ट्रांसमिशन के लिए क्लच ये है और PTO के लिए आपको ये वाली क्लच देखने को मिलेगी, ये आपका लीवर हो जाएगा PTO के लिए। यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं और काफ़ी स्पेस आपको इसमें ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा और बड़ी सी सीट और कंफर्टेबल सीट आपको इसमें मिल जाती है। उसके बाद में किसान साथियों इसका दिखाते हैं जो डैशबोर्ड है वो आपको मिल जाएगा डिजिटल मीटर आवर मीटर और जो बाकी जो मीटर मिलेगा आपको एनालॉग टाइप का मिल जाएगा, एस का यहाँ पर लोगो आपको मिलेगा, ये आपके इसके कंट्रोल लाइट्स वगैरह के यहाँ से आपको ऑफ करना है वो, तो बाकी जो भी चीज़ें आपको पता ही है हाथ वाली रेस ये पैर वाली हो गई ठीक है। इसमें अगर आप पैडल देखोगे आप सस्पेंडेड टाइप के पैडल जो कि ड्राइविंग के टाइम पर काफ़ी कंफर्टेबल किसान साथियों के लिए रहने वाले हैं और काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइविंग रहेगी। इसमें आपको ऑयल ब्रेक देखने को मिलेंगे और जो स्पेस है ना ट्रैक्टर में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि इतना ज़्यादा स्पेस आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं मिलेगी। उसके बाद में बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के लिए जो कि मेन कड़ी है इस ट्रैक्टर की, इसमें आपको करारो का ट्रांसमिशन मिलेगा, इसमें आपको 12+12 स्पीड देखने को मिलेगी, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में रिवर्स फॉरवर्ड के लिए आपको लीवर मिल जाएगा जो कि शटल गियर के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। राइट साइड में आप देखोगे तो आपको 1, 2, 3, 4 और आपको नीचे आप देखोगे तो आपको इसमें हाई लो और मान के चलो मीडियम स्पीड इसमें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 3 स्पीड इस लीवर में मिल जाएंगी और 4 ही यानी कि 12 तो आगे और 12 ही पीछे आप इसको चला सकते हैं, तो काफ़ी शानदार स्पीड आपको मिल जाएंगी इस ट्रैक्टर में। उसके बाद हम बात करते हैं इसके हाइड्रोलिक कंट्रोल की, तो हाइड्रोलिक कंट्रोल के लिए 2 लीवर हैं, ड्राफ्ट पोजीशन 2 लीवर यहाँ पर हो गए, प्रॉपर तरीके से आप यूज कर सकते हैं और पूरी सेफ्टी के साथ में ये देखो पूरी सपोर्ट के साथ में ट्रैक्टर की जो है इसको दिया गया कंट्रोल को। आपको 2 ओजरीवोल देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 4 KORC कपलर्स हैं, डबल आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको एक्स्ट्रा लगवाने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। इसमें लिफ्टोमेटिक सिस्टम आपको मिलेगा लिफ्टों के लिए कंट्रोल के लिए जो कि काफ़ी मशहूर चीज़ है। नीचे आप देखोगे तो आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट लॉक मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी कंपनी इस फीचर को नहीं देती और जो कि काफ़ी कारगर फीचर है
काफ़ी जगह पर ट्रैक्टर अगर फंसता है तो डिफरेंशियल लॉक काफ़ी मायने रखता है। इस ट्रैक्टर में आपको 65 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिलेगा, लोहे का डीजल टैंक जो कि 65 लीटर डीजल कैपेसिटी के साथ में आता है। अब ट्रैक्टर का करते हैं बैक साइड का व्यू। बैक साइड से अगर इस ट्रैक्टर को अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी मान लो हाथी जैसा लगेगा आपने, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बड़ा ट्रैक्टर लगेगा और बड़ा ट्रैक्टर है भी। फीचर देख लो आप इस ट्रैक्टर के, पावर देख लो, काफ़ी शानदार पावर है ट्रैक्टर में और अच्छे अच्छे फीचर आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको 4 QRC कपलर देखने को मिलेंगे और टोपलिंग के लिए आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। और जस्ट आप नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ये लीवर है ये आपको 540 स्टैंडर्ड और 540 इकोनॉमी के लिए यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप 540 चक्कर अलग अलग RPM पर चला सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। ये आपको ऑयल गेज दिया गया है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने हाइड्रोलिक ऑयल की कैपेसिटी को, यानी कि कितना इसमें ऑयल है। इस ट्रैक्टर में हिचिंग पॉइंट जो है काफ़ी डिफरेंट दिए गए हैं और जो हिचिंग पॉइंट के एडजस्टमेंट देखो आप, आपको नॉर्मल नट भी नहीं मिलेंगे, 6-6 नट हैं और काफ़ी बढ़िया नट हैं। वो चीज़ें तो मतलब मायने रखती हैं, इन चीज़ों को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। बैक एक्सल आप देखोगे ना काफ़ी बढ़िया एक्सल है और EPI रिडक्शन के साथ में आता है, जो कि काफ़ी दमदार स्ट्रेट दमदार एक्सल है जो कि आपको EPI के रिडक्शन के साथ में मिल जाता है, जो कि आपको लोडिंग वर्क के लिए ट्रॉली के लिए बेस्ट एक्सल मान सकते हैं आप इसको। और जो मडगार्ड के लिए आप सपोर्ट देखोगे ना तो ये देखो कितनी बढ़िया सपोर्ट, हैवी ड्यूटी सपोर्ट लगाई गई है दोनों साइड में आप देखोगे तो। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी लगती है और करना चाहिए कंपनी ने इनके बारे में। अगर बात करें इसके जो प्लेट्स है, पैम प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई है, इसमें आप देखोगे तो 38.25 इसकी जो PTO पावर की किलो वाट में, 265 इसकी SFC यहाँ पर लिखी हुई है, 12-22 की मैन्युफैक्चरिंग का ये ट्रैक्टर, 65 V1 ट्रैक्टर है, V2 भी आपको इसमें मिल जाता है। तो इसमें इसकी ये किलो वाट में जो HP है 38.25 इसकी है। तो ये ट्रैक्टर अगर आप देखोगे तो बैक साइड से काफ़ी अच्छा लगा और आपको बताया PTO HP जो आपको किलो वाट में 38.25 है, जो कि आप कन्वर्ट करके HP में आप बना सकते हैं, बाकी स्क्रीन पर आपने मिल भी जाएगा। अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करोगे इस ट्रैक्टर की, लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी होगी तो वो 2200 kg प्लस इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी, जो कि अलग अलग पॉइंट पर आपको अलग अलग देखने को मिल जाती है। तो ये था किसान साथियों एस कंपनी का 65 V1 मॉडल, जिसका जो टर्निंग रेडियस है वो आपको इसका मिल जाता है 4.6 meters इसका आपको मिल जाएगा। और जो टोटल इसका वेट जो ट्रैक्टर का है इसका 2690 kg इसका वेट है, यानी कि 26 quintal 90 kilo इसका वेट है विद ऑयल। तो ये था ट्रैक्टर किसान साथियों 65 V1 ट्रैक्टर, जिसका प्राइस जो रहेगा तो जो इस ट्रैक्टर का प्राइस रहने वाला है 8,25,000 रुपये है, जो कि वीडियो आप देख सकते हैं 28 मार्च की बढ़ रही है तो एरिया के हिसाब से अलग अलग रहने वाली है। फिलहाल में जो वीडियो है भिवानी एरिए से बढ़ रही है और यहाँ पे ये मॉडल्स अवेलेबल रहेंगे और जो रेट है इसका 8,25,000 रुपये 2-wheel drive में इस ट्रैक्टर का। आपने हर चीज़ उसमें मिलेगी, फ्लैट प्लेटफॉर्म, करारो ट्रांसमिशन, 24 स्पीड्स इसमें आपको मिल जाएंगी, तो काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है और आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नज़दीकी डीलरशिप जो आपको लगती है वहाँ से आप ले सकते हैं इस ट्रैक्टर को। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर थे इस ट्रैक्टर में, जो कि आपको टोटली फीचर हमने बताए। तो वीडियो अगर अच्छी लगा वीडियो को लाइक शेयर आपने करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज मिलती रहती हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।